तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए व्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना भाई जीशान अली। और जो मेरा आज का व्लॉग है कुछ यूनिक होने जा रहा है और कुछ एडवेंचर के तौर में होने जा रहा है। और इस टाइम मैं आया हूँ स्नो व्यू, और स्नो व्यू में कुछ यूनिक चीज़ खुली है जो एडवेंचर के रूप में है, डायनासोर पार्क। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये डायनासोर पार्क इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या एडवेंचर के रूप में इसमें इसके अंदर है, उसकी क्या प्राइस है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और मुझे कुछ यह तो मतलब बहुत से लोगों ने कहा था कि स्नो व्यू में खुली है एडवेंचर के तौर पे डायनासोर पार्क, और एक मतलब तकरीबन इसको एक महीना होने वाला है। और आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर डायनासोर पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए चलिए इसके अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा मैं आ जाया हूँ स्नो व्यू, और इसके जस्ट बगल में रोप वे आप देख रहे हैं, ये रोप वे। और इसके जस्ट बगल में एक यूनिक चीज़ बनी है एडवेंचर के रूप में, जो आप पढ़ लेंगे नाम स्नो व्यू पॉइंट डायनासोर पार्क बना है। और इसके अंदर अभी मैं जाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और एडवेंचर के रूप में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। और ये हो गया इसका टिकट काउंटर, सामने आप देख रहे हैं यह है इसका टिकट काउंटर। और इसके अंदर काफ़ी मज़ा आने वाला है, अभी आप मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। और आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से इसका मुंह बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप। और यह है डायनासोर पार्क, और जो इसका प्राइस है पर पर्सन 50 रुपये है, 50 रुपये पर पर्सन इसका प्राइस है। और ये 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है। तो अभी इसके अंदर मैं जाने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या डायनासोर हैं और कैसे कैसे एडवेंचर के रूप में वो कुछ डरा टाइप का रहे हैं और क्या क्या इसके अंदर हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं, तो पहले मैं आपको इसकी बाहर की लोकेशन बता देता हूँ। ये हमारा रोप है, ये देख सकते हैं आप। और इधर से आप आएंगे तो ये है इसका पार्क, ये देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यह है स्नो व्यू पॉइंट डायनासोर पार्क, तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैं आ गया हूँ, यह एक एडवेंचर के रूप में बनाया गया है जोरासी पार्क, आप देख सकते हैं ये इधर ये, और ये ऊपर देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये कैसी मतलब आवाज़ ही निकाल रहे हैं ऊपर देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, और ये सेंसर वाला। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ को। तो अब मैं थोड़ा सा ऊपर को जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहीं से चल रहे, मेरा फोन कहाँ है? तो ये देख सकते हैं आप, आ जाओ। और देखने में तो कुछ डरावने जैसे भी लग रहे हैं ये देख सकते हैं। डरा दिया है थोड़ा सा, ये देखिए, ये देखिए। तो कुछ देख रहे हैं आप लोग, अभी तो मैं ही डर गया था। तो ये देख सकते हैं आप, और इसका क्या प्राइस है, कब से कब तक बजे तक ओपन रहता है, वो सब बताऊंगा मैं अभी आपको। तो आप देख सकते हैं ये, और देखने में तो काफी डेंजरस लग रहा है ये। Oh,
तो देखिए तो देखिए एकदम से कैसा रिएक्शन है एकदम सामने से आने से बच्चों का भी। ये तो बच्चे डर रहे हैं, देख रहे हैं आप, तो ये बच्चे डर रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं नीचे को आ गया हूँ और ये जो है ये इसको ना ये जो डायनासोर की हड्डी वड्डी है ये है और इसको ना बच्चे जो हैं इसको हटाते हैं देखते हैं। तो ये इनके लिए एक बच्चों के लिए एडवेंचर के रूप में ये हो गया है कि रेता है, रेता के रेता हटाओगे तो ये हड्डियाँ देखने को मिलेंगी। और जो इसके बारे में लिखा गया है वो ये है और ये मैं आपको बता दूँ कि स्नो व्यू में है हमारा जो रोप है। पहले तो आप ये पढ़िए सामने नाम ये है और मैं बता दूँ कि यहाँ जस्ट हमारे रोप से इधर को ही है स्नो व्यू में। और इसका चार्ज मैं बता देता हूँ आपको, 50 रुपये पर पर्सन है इसका चार्ज अंदर आने का। ये ऐसे करके इसको हटाया जाता है, ये देखिए ये तो इस तरीके से इसको हटाया जाता है ये है। और इसका जो टाइमिंग है 10 से 5 है और 50 रुपये पर पर्सन है इसका। और जो इसका बनाया गया है बड़ा एडवेंचर के तौर में बनाया गया, आप देख सकते हैं ये तो चलिए थोड़ा सा उधर को चलते हैं। और ये इसमें भी कुछ यूनिक चीज़ लगी है मुझे कि यूनिक चीज़ कुछ बनाई गई है, ये देख सकते हो आप ये ऐसे भी करना होना। तो जैसा आप देख सकते हैं इस टाइम ये नाम है और इसको मैं दिखाने वाला हूँ अभी। तो ये है आप देख सकते हैं ये, और आपने अगर जुरैसी पार्क मूवी देखी है तो उसमें ये दिखाया गया है, अगर आपने देखी है तो फर्स्ट सेकंड इसका जो पार्ट है मूवी जुरैसी पार्क की ये देख सकते हो आप ये देख सकते हो आप। मतलब बच्चे तो अभी देखे ना आपने कि बच्चे डर जा रहे हैं देख के और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, हंस भी रहे, मतलब एडवेंचर के रूप में बड़ा अच्छा बनाया गया है। तो ये ऊपर जाने के लिए है, ऊपर से आने के लिए ये रास्ता बनाया गया है, ये देख सकता आप। दिखा दो बच्चे जब उसको साफ करते हैं, दिखा दो। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चे जो साफ करते हैं वो यहाँ कर रहे थे अभी। और ये देखिए तो फाइनली यहाँ पे मैंने जो है अपना व्लॉग कंप्लीट कर लिया है और जो मैंने अभी आपको दिखाया डायनासोर को पार्क एडवेंचर के रूप में और काफ़ी इसका मज़ा आया इसके अंदर। और जो हमारे बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनके संग जो बच्चे आ रहे हैं तो काफ़ी वो डर भी जा रहे हैं उसमें और हंस भी रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब अच्छा कुछ यूनिक चीज़ ये बनाई गई है स्नो व्यू में। और इसका प्राइस मैंने जैसा आपको बता दिया पर पर्सन 50 रुपये और 10 से 5 ये खुला रहता है। और आजकल जो है मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है तो इस वजह से हमारा जो हिमालय दिख रहा है यहाँ पर और बड़ा साफ क्लियर दिख रहा है। और यहाँ आप आइएगा नैनीताल और इस जगह में ज़रूर आइएगा, घूमिएगा। और क्या कहें, और थोड़ा सा यह है कि आप जो हमारी जो यहाँ नैनीताल में बर्फ़बारी होती है स्नोफॉल जब होती है तो उसका थोड़ा बहुत मौसम बन रहा है और कभी भी वो हो सकती है। तो ये अपडेट तो मैं आपको रेगुलर दे रहा हूँ तो इसके 3-4 दिन पहले ही मैं अपना आपको अपडेट दे दूंगा कि स्नोफॉल नैनीताल में होने वाली है। तो आज फिलहाल मैंने आपको दिखाया डायनासोर पार्क जो स्नो व्यू में स्थित है। तो आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।